कोरोना कर्फ्यू में ढील के बाद हिमाचल प्रदेश की सड़कों में गाड़ियों का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोग भीड़ के रूप में निकलने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में आने के लिए अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलना शुरू हो गए हैं। सरकारी बसों की आवाजाही 50% सवारियों के साथ शुरू हो गई है। भले ही हिमाचल में कोरोना के मामलों में कमी आई हो, अब पर्यटन के खुलने से व्यवसाय को भी फायदा होगा, लेकिन परमाणु शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर गाड़ियों का जो लंबा जाम देखने को मिला है वह भीड़ डराने वाली है, क्योंकि इस तरह की भीड़ कोरोना संक्रमण को फैला सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल में बढ़ने वाली भीड़ को लेकर बताया कि हिमाचल में इस भीड़ व सड़कों पर वाहनों को नियंत्रित करने के लिए सरकार व प्रशासन मैकेनिज्म तैयार कर रहा है। पर्यटकों के लिए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाना अनिवार्य है। कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। पर्यटकों व कारोबारियों को भी सख्त हिदायतें दी गई हैं कि वे कोरोना नियमों का पालन करें, अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहे। परमाणु में लंबे जाम की वीडियो पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इसको लेकर सरकार नजर बनाए हुए है। संक्रमण न फैले इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। हिमाचल ने भी देश की तर्ज पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट को खत्म कर दिया है। देखिए, स्वाभाविक रूप से काफी लंबे अरसे के बाद जो रिलैक्सेशन दी है उसके कारण लोगों को आने जाने के लिए एक सुविधा लग रही है कि अब हिमाचल में हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये टूरिज्म की दृष्टि से आजकल के दिन जो है ये टूरिस्ट सीजन है हमारा, और मैंने भी इस बात को नोटिस किया, मैंने भी देखा है। एक तो हमने प्रशासन को इस बात के लिए कहा कि कहीं भी क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड रहे, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट किए बिना प्रदेश की सीमा में आने के लिए जो हमने अब की बार जो एक छूट दी है, वो छूट इस वजह से है कि बहुत सारे लोग हिमाचल के ही दूसरे स्टेट में आते हैं जाते हैं, और हिमाचल जब आना जाना होता तो कठिनाई हो रही है। तो बहुत ऐसी भी हमको लग रहा था कि भी मुश्किल आ रही है लोगों को, और कई बार एमरजेंसी में आना होता है और एमरजेंसी में आना होता तो उसमें बड़ी कठिनाई हो रही है, तो उस बात को ध्यान में रखते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पूरे देश में सभी स्टेट ने इंटर स्टेट मूवमेंट को अब रिस्ट्रिक्ट करना बंद कर दी, यानी कि रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी, रिस्ट्रिक्शन छोड़ दी है। तो ऐसे में हम यहाँ पर रखें और पूरे देश भर में कोविड के नंबर में काफ़ी गिरावट भी आई है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हमने ये निर्णय लिया है। अब इसका मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हमने होटलियर्स को बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो इंश्योर करेंगे कि वो जो SOP है उसका पालन हो, टूरिस्ट जो भी आए वो मास्क पहन करके और उसके बाद सारी चीजों को लेकर के जो SOP का पालन। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।